तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ, आज क्या हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड प्रेसिंग नाम से नया इवेंट है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि आप जो है इसके रिवार्ड्स कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार इस इवेंट से पहले मैं आपको एक और मज़े की क्या चीज़ है वो बता चलता हूँ कि आप जो है यहाँ पे जो DBS के डबल जो है लकी ट्रिगर है, इसमें जितनी बार आप गेम को टर्न ऑफ करके ऑन करेंगे, आपको यहाँ से 10 वाउचर का जो है 10 UC का वाउचर है वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप जब भी गेम ऑन करें तो यहाँ से वो पहले कलेक्ट कर लें। सबसे पहले आपने आ जाना है इवेंट्स में। इवेंट्स में आपको वुल्फ ब्लेसिंग के नाम से जो है इवेंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है रिवार्ड्स देख लेते हैं। इसके जो मेन रिवार्ड्स हैं वो है ये वाला जो है सीरियल पम्पकिन कवर के नाम से जो है, सॉरी सेट के नाम से एक सेट है जिसका जो है ये सेट है, उसके साथ ये एक कवर है। तो ये आप कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है आपने करना है इसको फीड। तो फीड कैसे होगा, तो फीड करने के लिए आपको चाहिए होंगे जो ब्लड मून टोकन्स। और इससे पहले जैसे कि आपको पता होगा ADBR सेट के नाम से आया था, उसमें से आपके पास अगर एक्स्ट्रा टोकन्स पहले से पड़े तो वो टोकन अभी भी आपकी इन्वेंट्री में जो मौजूद होंगे, तो आपके जो है यहाँ पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। मजीद इस इवेंट के भी वही सेम रूल्स हैं कि इसके जो है एक मैच में आप 10 टोकन्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और एक डेली के जो है 40 टोकन्स। लेकिन उसमें जो होते थे उसमें स्पिन टाइप का था, लेकिन इसमें आपने करना है फीड। तो फीड कैसे करना है, जैसे ही आप ब्लड मून टोकन्स कलेक्ट कर लेंगे तो 5 जो है ब्लड मून टोकन्स का जो है 1 टाइम जो होगा वो फीड होगा। तो यहाँ पे करते हैं जो फर्स्ट टाइम जो फीड है, तो यहाँ से आपको मिले हैं AG। तो इसका क्या सीन है कि आपको जो AGs और इस तरह के जो रिवार्ड्स मिल रहे हैं उसमें से आपको जो है इसमें पूल बनाए गए हैं। पूल A है, B है, C है और D। लेकिन इस पूल के जो हैं अलग अलग हर पूल में रिवार्ड्स हैं, यहाँ पे AG करेंसीज हैं पूल A में, B में भी हैं, C और D। इसके जो पूल हैं, जैसे जैसे आप फीड करते जाएंगे आपके जो पूल का है वो लेवल जो है इंक्रीज होता जाएगा, आपको इसमें से जो रैंडम जो छोटे छोटे रिवार्ड हैं वो मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप जो है फीड कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको जो चांसेस हैं वो कैसे मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ब्लड मून टोकन जो है कलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पर सिंपली आके यहाँ से फीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है अपने फ्रेंड को असिस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड को असिस्ट कैसे करना है, आप जो असिस्ट करने के लिए पिछले इवेंट में था उसमें कोड भी अवेलेबल था, लेकिन इसमें कोड अवेलेबल नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पे असिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो जैसे ही आपका फ्रेंड गेम ओपन करेगा इस इवेंट में जाएगा तो उसके पास भी शो हो जाएगा। दोनों तरफ से जब असिस्ट होगा तो उसका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। तो असिस्ट आप जो है एक डे में 3 फ्रेंड्स को कर सकते हैं और पूरे इवेंट में जो है अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं उसकी तादाद है 6, यानी कि 6 फ्रेंड्स को आप पूरे इवेंट में असिस्ट कर सकते हैं। और 6 मरतबा आप करेंगे तो आपको फीड करने के लिए ब्लड मून टोकन्स तो नहीं, लेकिन फ्री में फीड करने के जो चांसेस हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्पिरिट के बारे में। तो आपको अगर एक बार फीड करते हैं तो आपको स्पिरिट मिलेंगे 2000। उसके बारे में बात करेंगे कि स्पिरिट के आपको फ़ायदे क्या होंगे। अगर आप जो है एडिशनल 1000 स्पिरिट करते हैं, 4 फीड करते हैं एक डे में, तो आपको जो है फोर्थ फीड जो आप करेंगे उस पे आपको जो है 1000 जो है स्पिरिट मिलेंगे। उसके बाद जो स्पिरिट के जो रैंकिंग है वो है 31 तारीख 10 महीने की, यानी कि इस मंथ की जो है 31 को उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। जो टॉप 10 के 10,000 प्लेयर्स होंगे उनको जो है एक फ्रेम दी जाएगी, उसके साथ जो अवतार भी दिया जाएगा। और ये जो रिवार्ड्स हैं आपको, अगर आप टॉप जो है 10,000 प्लेयर्स में आ जाते हैं इनकी स्पिरिट में, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फीड्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो मेल के ज़रिए रिवार्ड आपको दे देंगे। तो यहाँ पे अबाउट वुल्फ जो ब्लेसिंग है इसमें जो है असिस्ट करने के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि आप पर डे में 3 फ्रेंड्स को कर सकते हैं और पूरे इवेंट में
छह फ्रेंड्स को कर सकते हैं उसके ऊपर परसेंटेज लिखिए, जैसे जैसे आप फीड करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो है मिल जाएंगी स्पिरिट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको ये जो सूट है वो जो है गारंटीड कब मिलेगा, यानी कि आप कितनी बार फीड करें तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं जो है अबाउट है इवेंट के बारे में। सबसे ऊपर लिखा है कि आप जो है 5 ब्लड मून टोकन्स के साथ जो है एक टाइम जो वुल्फ स्पिरिट है वो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो है फीड जो है 5 टोकन से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका मैंने आपको बताया था इसके आपको पूल में से रैंडम जो है रिवार्ड्स मिलते हैं। उससे आगे रीड करते हैं, वुल्फ स्पिरिट है वो है डिवाइड किए गए 4 लेवल्स में, नोवाइस, अडेप्ट मास्टर एंड आवर लॉर्ड। इसके जो है 4 लेवल्स हैं। अगर आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर आप फीड करते हैं वुल्फ स्पिरिट को 8 टाइम तो आपका जो लेवल है वो है नोवाइस से अडेप्ट में चला जाएगा। अगर आप 24 टाइम्स जो है फीड करते हैं तो आपका जो है लेवल इंक्रीज होकर मास्टर तक चला जाएगा, और अगर 44 टाइम्स करते हैं तो आपका जो लेवल है आवर लॉर्ड लेवल यानी कि 4 लेवल आखिरी लेवल पर चला जाएगा। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दी हैं। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ है, यहाँ पे लिखी है कि आपको जो सीरियल पम्पकिन कवर है वो गारंटीड आपको मिलना ही मिलना है जब आप फीड करेंगे 24 टाइम्स। यहाँ से जो है 24 टाइम्स जब आप फीड कर चुके होंगे तो आपको ये वाला जो कवर है ये सिर्फ हेड गियर, तब आपको ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका जो है सेट है सीरियल पम्पकिन सेट जो है वो आपको गारंटीड जो है फीडिंग मिलेगा, फीडिंग पे 45 टाइम्स। 45 टाइम्स जब आप जो है करेंगे तो आपको ये जो सेट है वो भी मिल जाएगा, यानी कि आपको पूरा जो हेड गियर और ये भी जो है गारंटीड लेने के लिए आपको जो है 45 टाइम्स जो है यहाँ से फीड करना पड़ेगा इस जो है वुल्फ को। उसके बाद आपको ये जो दोनों है हेड गियर भी और सेट भी दोनों आपको मिल जाएंगे। 45 टाइम्स जो फीड के बाद आपको जो है सेट और जो है उसका कवर तो मिल जाएगा, लेकिन इस अगर आपको जो अवतार और जो चाहिए फ्रेम चाहिए तो इसके लिए आपको जो है फीड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप जो है 10,000 टॉप 10,000 या फीड्स जो मैक्सिमम फीड्स वाले प्लेयर होंगे उनमें आ जाते हैं तो आपको जो है ये वाले ईमेल में रिवार्ड्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी मैंने ये आपने एक मैच में 10 जो टोकन्स हैं, 4 मैच में आप 40 टोकन्स जो हैं ब्लड मून टोकन्स वो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो लगाई थी, तो आपने वो भी जाके देख लेनी है कि आपने वो कैसे टोकन्स लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट लाजमी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।